हाय फ्रेंड्स, आज कुछ मीठा हो जाए। मेरी पर्शियन ब्लू साड़ी की तरह लेट्स हैव सम पर्शियन राइस कुकी, जिसको कहते हैं नान बेरेंजी इन पर्शियन कुजीन। इट्स अ वेरी डिफरेंट कुजीन, बहुत हटके है, ज्यादा मीठी भी नहीं है। एवरीबडी इज गोना लाइक इट। तो वील स्टार्ट इट इन अ वेरी ट्रेडिशनल वे। हम एगलेस वाली बनाएंगे। आप एग वाली भी बना सकते हैं, उसमें जो भी मैंने आपको इंग्रेडिएंट बताया है उसको हटा के यू कैन ऐड टू एग योक। लेकिन जो हम बनाने जा रहे हैं दैट्स एगलेस वन, सो एवरीबडी इज गोइंग टू एंजॉय इट। और उसकी जगह हम डालेंगे मिल्क और थोड़ा सा ऑयल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नान बेरेंजी और पर्शियन राइस कुकी के इंग्रेडिएंट्स हैं हाफ कप बटर अनसॉल्टेड, 1 टीस्पून ऑफ कार्डमम पाउडर, देन ये मैंने लोटस सीड लिया जिसको हम मखाने कहते हैं, दैट इज लाइक 1/4 कप ऑफ मखाना जिसको आप बारीक पीस लीजिए, देन हाफ से भी कम पिस्टैचो उसको बारीक पीस लीजिए, देन 1/4 कप ऑफ रोज वाटर जाएगा, देन 1 कप ऑफ राइस फ्लावर जाएगा, एंड देन 1/2 कप ऑफ पाउडर्ड शुगर जाएगी, एंड 1/4 कप ऑफ मिल्क जाएगा, नॉर्मल रूम टेम्परेचर मिल्क लीजिए, एंड 1/4 कप ऑफ वेजिटेबल ऑयल, कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं आप। अब हमें राइस फ्लावर, मखाना एंड 1 टेबलस्पून ऑफ शुगर और कार्डमम को मिक्स करना है अलग से, एंड बटर शुगर को हम अलग से मिक्स करेंगे। अब पैन में हमें 1/2 कप शुगर और 1/2 से थोड़ा और कम पानी और फिर 1/4 हमारा रोज वाटर, इसमें मिक्स करके शुगर सिरप रेडी करना है। ये देखिए 7 मिनट्स की बॉईल के बाद हमें शुगर सिरप को अब बिल्कुल छोड़ दीजिए रूम टेम्परेचर तक कूल डाउन करने के लिए, देन विल मिक्स इट इन द बैटर। ये देखिए राइस डो जो हमने रेडी करा है, इसमें बटर को जो हमने फेंट लिया था वो ऐड कर लीजिए, 1/4 अपना ऑयल ऐड करेंगे, 1/4 मिल्क ऐड करेंगे। नाउ वी हैव टू वेट, रूम टेम्परेचर का शुगर सिरप जब हो जाएगा देन वील ऐड इट इन दिस स्लोली, और थोड़ा सा डो थिन रहेगा सो नॉट टू वरी। ये देखिए हमारा सिरप हमने मिक्स कर दिया है राइस डो में, एंड यू कैन मेक आउट थोड़ा सा रनी है, बट दिस इज़ हाउ इट इज़ सपोज टू बी। अब इसको हमें फ्रीजर में रखना है फॉर लाइक 8 to 10 आवर्स। यस करेक्ट, आपने सही सुना, 8 to 10 आवर्स, बिकॉज तब तक ये पूरा अच्छे से रोज वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा एंड डो थोड़ा टाइट हो जाएगा, सो वील मेक द कुकीज लेटर। हमारा डो रेडी है और आप बेकिंग शीट भी रेडी कर लीजिए विद द बेकिंग पेपर, प्री हीट कर लीजिए ओवन को फॉर 12 मिनट्स एट 180 डिग्री, और हम इसे बेक भी 180 डिग्री पे 12 से 15 मिनट के लिए करेंगे। एंड आप डो को इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स की तरह ले सकते हैं, एंड देन यू कैन प्रेस इट और इस पर शेप अपने हिसाब से बना लीजिए। देखिए इस तरह से हमारी कुकी रेडी है, और जो हमने पिस्ता पीस के काटा था उसको इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए। नाउ दिस इज रेडी टू गो इन द ओवन। तना, ये देखिए रेडी हो गई हमारी पर्शियन राइस कुकी और नाना बेरेंजी विद सम पर्शियन टी, विच इज़ वेरी इजी टू मेक। आप नॉर्मल जो भी चाय बनाते हैं इसमें दूध नहीं ऐड करिए, बट सिनेमन और रोजबड ऐड करिए तो बन गई पर्शियन चाय। इन्जॉय विथ योर लव्ड वंस।